next question is the probability of five Thursday in a month of February in a non-leap year is a blank. Ligo, or a the probability of 5 Tuesday in a month of February in a leap year. Is a blank. So, PSI. The probability of high Saturday in a month of February in year 2020 is blank. So, ये तीन question है. First वाला है the probability of 5 Thursday in a month of February. In a non-leap year. पहले leap दो भाई समझाता हूँ ये leap year और non-leap year क्या है भाई. बराबर क्योंकि आप भी जब बड़े हो जाओगे आपके बच्चे पूछेंगे पापा ये leap year क्या होता है या तो मम्मी ये leap year क्या होता है तो आपको आना चाहिए वरना वो बोलेंगे कौन से गधे टीचर के पास आप पढ़े हो समझ गए ना इसलिए आना चाहिए आप लोगों को. चलो leap year यानी कि कोई भी ईयर को अगर आप 4 से डिवाइड करो लाइक देखो 2016 को 4 से डिवाइड करो 4 5 जा 20 0 0 ब्रिंग डाउन 1 किया कटनी होता 0 6 4 4 जा 16. अगर कोई भी ईयर को आप 4 से डिवाइड करो और अगर आपका रिमाइंडर 0 आता क्या 0 आता हो भाई रिमाइंडर 0 आए तो वो लीप ईयर कौन सा ईयर है भाई लीप ईयर. और जब भी लीप ईयर हो फरवरी महीने में 29 डेज होते कितने डेज होते हैं भाई. और नॉन लीप ईयर हो लाइक 2017 ले लो 2017 को 4 से डिवाइड करोगे रिमाइंडर 0 आने वाला नहीं है तो नॉन लीप ईयर में फरवरी मंथ में कितने डेज होते 28 डेज कितने होते हैं भाई. और लीप ईयर के अंदर फरवरी मंथ में कितने डेज होते हैं भाई 29 डेज. चलो ये नॉन लीप ईयर है कभी मैंने आपको सिखाया कभी डेज कितने हो गए 28 डिवाइड को क्या करना है आपको 7 ही करना क्लियर 7 4 जा 28 रिमाइंडर आया कितना आपका भाई 00 तो आपका आंसर क्या बनेगा भाई 0 क्या बनेगा खास याद रखना लीप ईयर वाला. चलो लीप ईयर हो फिर इधर 29 डिवाइड बाय क्या करेंगे 7 ये लीप ईयर है फरवरी महीने में कितने दिन होंगे 29 डेज 7 4 जा 28 आपका रिमाइंडर क्या बचा 1 तो आंसर क्या आएगा भाई 1/7. चलो यहां पर एक क्वेश्चन थोड़ा मैंने मॉडिफाई करके चेंज करके रखा है बराबर. चलो इधर क्या है द प्रोबेबिलिटी ऑफ 5 सैटरडे इन अ मंथ ऑफ फरवरी फरवरी है हमारे दिमाग में दो टाइप के डेज आने चाहिए 28 या 29 बट मैंने इधर ईयर लिखा है लीप ईयर और नॉन लीप ईयर नाम का वर्ड लिखा नहीं देखो 2020
चल रहा है इसको 4 से डिवाइड करो, रिमाइंडर आपका कितना हो जाएगा 0। ये कौन सा बन गया लीप ईयर, कौन सा बन गया भाई, तो डेज कितने बनेंगे 29 डिवाइड बाय क्या करोगे 7, 4 जाए 28, रिमाइंडर क्या बचा 1/7। बोलो कर सकते ऐसे कि नहीं कर सकते हो? तो जब भी आए डेज को 7 से डिवाइड करना है, किसे डिवाइड करना है 7 से, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ऐसा है द प्रोबेबिलिटी ऑफ संडे इन अ नॉन लीप ईयर इज ब्लैंक। भाई नॉन लीप ईयर के अंदर 53, 52 कोई भी आ सकता है, संडे इज अ ब्लैंक। चलो फिर दूसरा क्वेश्चन ऐसा है द प्रोबेबिलिटी ऑफ फ्राइडे रह गया बेचारा रोएगा भी, फ्राइडे इन अ लीप ईयर इज अपने। कभी जब प्रोबेबिलिटी ऑफ 53 संडे इन अ नॉट लीप ईयर, यहां पर फेब्रुआरी नाम का वर्ड नहीं है। चलो तो नॉन लीप ईयर में टोटल कितने डेज होते 365 और लीप ईयर के अंदर कितने डेज होते 366, इतना याद रखना है। नॉन लीप ईयर में पूरे साल के दिन कितने 365, उसको भी किससे डिवाइड करना है आपको 7 से ही डिवाइड करना है। 365 डिवाइड बाय 7, 7 फाइव जा 35, 1 फाइव 15, 7 टू जा 14, आपका रिमाइंडर क्या बचा भाई तो 1। तो आंसर इधर क्या लिखोगे 1/7 आई गेस है। चलो सेकंड नंबर है लीप ईयर, तो लीप ईयर में पूरे साल के डेज कितने होते हैं 366, इसको किससे डिवाइड करना है 7, 7 फाइव जा 35, 1 6 16, 7 टू जा 14, बचा क्या भाई रिमाइंडर 2। तो आंसर क्या बनेगा भाई 2/7। बोलो कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे, कैसा कोई भी आए आपको डिवाइड किससे करना है 7 से, कर पाओगे ना अब तो। चलो ऐसा क्वेश्चन है द प्रोबेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट ऑफ वन कैन बॉर्न is a die is a blank। इक्वेशन बोर्ड में आ चुका है बराबर है, द प्रोबेबिलिटी ऑफ लिख दो आप लोग कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट ऑफ वन कैन बॉर्न इज अ डाई इज अ ब्लैंक। चलो क्वेश्चन कौन सा है द प्रोबेबिलिटी ऑफ, ये मार्च 2015 में लगभग आया था बोर्ड की एग्जाम में, सब लोगों ने यही देखा तो भाई वन कैन बॉर्न इज अ डाई, जो बॉर्न होता है जन्म लेता है उसकी मृत्यु होती है, सनातन सत्य क्या है भाई इवेंट है, यानी कि सर्टेन इवेंट, उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी होगी 1। बहुत सारे लोग क्वेश्चन पूरा पढ़े बगैर 1 आंसर लिख के आ गए थे, बट कौन सा है भाई कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट, कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट का मतलब क्या होगा भाई,
उसको वन मीन से माइनस करना पड़ेगा यानी इसकी ऑपोजिट इवेंट जो बॉर्न होता है और डाई होता है उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी होगी वन बट उसकी प्रोबेबिलिटी उसकी कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट तो वन में से वन को माइनस करो तो इसका आंसर क्या बनेगा भाई आपका जीरो बनेगा क्या बनेगा भाई जीरो क्लियर चलो फिर ऐसा है ये भी बहुत सारी बार पेपर में आ चुका है द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग आउट ऑफ मार्क्स द पेपर विच इज इन योर हैंड इज अ ब्लैंक फिर ऐसा आ सकता है द प्रोबेबिलिटी लिखते जाना भाई आप लोग प्रोबेबिलिटी गेटिंग जीरो मार्क्स मैथ्स ना आता तो जीरो भी आ सकता है समझ गया ना भाई जीरो मार्क्स द पेपर विच इज इन योर हैंड विच इज इन योर हैंड इज अ ब्लैंक चलो फिर ऐसा क्वेश्चन है द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 75 मार्क्स सॉरी 75 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स द पेपर विच इज इन योर हैंड इज अ ब्लैंक ऐसे भी आ सकता है द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 75 मार्क्स इन अ पेपर ऑफ अभी तो आपका 80 मार्क का पेपर आने वाला है 75 मार्क्स इन अ पेपर ऑफ 80 मार्क्स या तो ब्लैंक ब्रैकेट में क्या आ सकता है विच इज इन योर हैंड ऐसे भी आ सकता है इज अ ब्लैंक जब भी ये ब्लैंक के आए ये अच्छे अच्छे स्टूडेंट धोखा खा के आ गए क्या कहा कि भाई मम्मी जो धोखे से धोती है ऐसे धोखे खा के आ गए समझ गए आप लोग लिख डाल रहे सारे क्वेश्चन फिर इसका सॉल्यूशन मैं आपको देता हूं आप क्वेश्चन लिख दो स्टूडेंट फिर वन बाय वन में क्वेश्चन आपको समझाता हूं कैसे करने और बहुत सारी बार ये पेपरों में आ चुके अच्छे अच्छे स्टूडेंट धोखे खा चुके आपको धोखा नहीं खा रहा इस सबको सॉल्व कैसे करेंगे गेटिंग आउट ऑफ मार्क्स द पेपर विच इज इन योर हैंड इसलिए मैंने ऐसा लिखा क्योंकि अब आप एसएससी बोर्ड में आ चुके हो आपका पेपर 80 मार्क का आने वाला है अगर 100 मार्क का हो तो आपके दिमाग में तो यही चलेगा कि भाई आउट ऑफ मार्क 80 में से 80
आप लोग क्या कर दोगे भाई 80 अपॉन 80 इज इक्वल टू आप आंसर क्या लिखोगे 1 तो आपका आंसर कैसा है भाई गलत आंसर है कैसा है भाई तो भाई आउट ऑफ मार्क 80 जो टोटल नंबर पहले तो प्रोबेबिलिटी का फार्मूला हमारा कौन सा है नंबर ऑफ आउटकम्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स यहां पर आपके टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने बनेंगे अगर आपका 80 मार्क का पेपर है आपके टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स 81 बनेंगे जो भी मार्क का पेपर 80 मार्क का हो तो 81 लेना है 100 मार्क का तो 101 लेना है 50 मार्क का पेपर हो तो 51 लेना है क्लियर अब देखो 81 किधर से आया आपके दिमाग में चलता होगा कि 80 मार्क का पेपर तो आउटकम्स 80 बनेंगे बट 0 भी मार्क आ सकता है अगर स्वच्छता अभियान हम लोग चलाएंगे पेपर में कुछ भी नहीं लिखेंगे तो जीरो मार्क आएगा तो जीरो भी एक इवेंट है क्या है भाई समझ गए ना कि जीरो से लेके 80 तक के मार्क आएंगे यानी कि आपकी टोटल नंबर ऑफ इवेंट कितनी बनेगी 81 कितनी बनेगी भाई अरे जब भी ऐसे टाइप का क्वेश्चन आए न्यूमरेटर में ऑलवेज 1 लगाना है क्या लगाना है आप लोगों को और 80 मार्क का पेपर हो तो नीचे क्या लिखना है 81 अगर 50 मार्क का पेपर हो तो क्या लिखोगे 1/51 अगर 100 मार्क का पेपर हो तो क्या लिखोगे 1/101 क्लियर हुआ दिमाग के अंदर सेम इक्वेशन है देखो द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 0 मार्क स्वच्छता अभियान होगा तो 0 मार्क भी मिलेगा 0 मार्क द पेपर विच इज इन योर हैंड अगर 50 मार्क का पेपर है तो आंसर क्या बनेगा 1/51 बट अब आपको तो 80 मार्क का पेपर फेस करना है इसका आंसर क्या बनेगा 1/81 बनेगा कि नहीं बनेगा चलो यहां पर एक क्वेश्चन है द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स आप में से 99% स्टूडेंट क्या करा लेंगे 100/100 इज इक्वल टू 1 ऐसा नहीं है 100 मार्क्स आए वो तो एक ही में बने आपके पेपर में कितने मार्क आ सकते हैं 0 से लेके 100 तक के मार्क आएंगे 100 आउट ऑफ 100 मार्क ये 100 तो क्या है भाई एक इवेंट है क्योंकि पेपर में 100 मार्क एक ही बार आ सकते दो बार नहीं आ सकते यानी कि इवेंट हमारी कितनी बनी एक ही बनी 100 आउट ऑफ 100 है तभी मैंने आपको सिखाया वैसे इसका आंसर क्या बनेगा 1/100 मार्क का पेपर हो तो नीचे एक बढ़ा देना है 101 लाइक चलो इधर अब आंसर क्या बनेगा आपका तो भाई द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 75 मार्क एक ही इवेंट बनी ऊपर तो आके बन करके 1 ही रख देना है क्या बनेगा 1/ आपके हाथ में 80 मार्क का पेपर है तो नीचे क्या लिखना है 81 एक बटा ही देना ऊपर ऑलवेज 1 ऊपर ऑलवेज क्या लिखना है 1 और नीचे 80 मार्क का पेपर हो तो 81 50 मार्क का पेपर हो तो 51 100 मार्क का पेपर हो तो 101 क्लियर 500 मार्क का पेपर हो तो क्या लिखोगे 1/500 1000 मार्क का पेपर हो तो क्या लिखेंगे 1/1000 क्लियर दिमाग में बीट हो गया अब जब भी एमसीक्यू पेपर में आपका गलत होना नहीं चाहिए क्लियर चलो थोड़ा आगे बढ़ते हैं ये हो गए आप लोगों के चलो स्टूडेंट लिखो दो एक लिखो मेरे साथ में एक जो एक पी ए इज इक्वल टू 0.54 साथ में लिखते जाओगे देन पी ए बार इज इक्वल टू ब्लैंक चलो तो पी ए बार के लिए क्या करोगे जब भी ऐसा है 1 में से इसको माइनस कर देना है तो भाई पी ए बार इज इक्वल टू 1-0.54 इसको माइनस करोगे कितना आएगा भाई 0.46 हर बार जब भी ऐसा एमसीक्यू आए ये जो डिजिट है उसको किसमें से माइनस कर देनी है 1 में से आया समझ में चलो दूसरा है सेकंड नंबर एफ पी बी बार इज इक्वल टू 0.81 देन पी बी इज इक्वल टू ब्लैंक कोई भी फाइंड करना 1 में से माइनस करना क्या लिखेंगे पी बी
is equal to 1 minus 0.81. कितना आएगा भाई 0.19 आएगा आंसर कि नहीं आएगा चलो फिर ऐसा है इफ पी सी इज इक्वल टू 2/5 देन पी सी बार इज इक्वल टू ब्लैंक चलो तो मैंने अभी आपको सिखाया पी सी बार इज इक्वल टू क्या लिखेंगे 1 minus 2/5 फ्रैक्शन है तुरंत क्या करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई देखो ये 5 इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा 5 minus 2/5 5 को इधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेना कितना है भाई 3/5 पर आपको इतनी मजूरी नहीं करनी है देख शॉर्टकट फॉर्मूला सिखाओ देखो पी सी इज इक्वल टू कितना है देखो तो जरा 2/5 आपको क्या फाइंड करना है पी सी बार ये नीचे वाला भी ऊपर वाला माइनस कर दो देखो 5 minus 2 कितना आया 3/5 आ गया शॉर्ट फॉर्म में कि नहीं आया समझ में आया डायरेक्ट 2/5 है डायरेक्ट फाइंड करना तो नीचे वाले में से ऊपर वाला डिनोमिनेटर में से न्यूमरेटर को माइनस करके आंसर लिख दो चलो ऐसा एक करते हैं तो भाई इफ पी डी बार ऐसा है तो भाई इफ पी डी बार इज इक्वल टू 6/17 देन पी डी इज इक्वल टू ब्लैंक चलो अभी मैंने सीखा वैसे डायरेक्ट करो वन में से माइनस नहीं कर रहा है डिनोमिनेटर में से न्यूमरेटर को माइनस कर लो 17 minus 6 कितना आएगा आंसर 11/17 आएगा कि नहीं आएगा आया कुछ समझ में फ्रैक्शन आए तो टेंशन लेना नहीं डिनोमिनेटर में से न्यूमरेटर माइनस कर लो 5 minus 2 3/5 6/17 17 minus 6 11/17 हो जाएगा ऐसे डायरेक्ट कि मेहनत करोगे चलो फिर देखो चलो अब ऐसा है द प्रोबेबिलिटी ऑफ द सन सेटिंग इन द ईस्ट इज ब्लैंक भाई सन ईस्ट में सेट होगा बोलो इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी हो सकती है दिमाग में तुरंत आंसर आ जाना चाहिए सन कभी भी ईस्ट में सेट हो सकता नहीं यानी कि एक ऐसी इवेंट है भाई अनसर्टेन इवेंट इम्पॉसिबल आंसर इसका क्या हो जाएगा जीरो हो जाएगा चलो फिर लिखो इफ ये खास आना चाहिए इफ पी ए रेशियो पी ए बार इज इक्वल टू 3:2 देन पी ए इज इक्वल टू ब्लैंक फिर दूसरा है इफ पी ए रेशियो पी ए बार इज इक्वल टू 4:1 देन पी ए बार इज इक्वल टू ब्लैंक ये दो ब्लैंक है चलो है पी ए रेशियो पी ए बार 3:2 डायरेक्ट सीखना है शॉर्टकट फॉर्मूला है कभी हमें क्या फाइंड करना है पी ए देखो पी ए का रेशियो कितना है भाई 3 पी ए बार का रेशियो कितना है भाई 2 कितना समझ लो पी ए कितना है 3 पी ए बार कितना है भाई 2 डायरेक्ट आंसर लिखना है आपको क्या फाइंड करना है पी ए इज इक्वल टू चलो पी ए का रेशियो कितना भाई 3 अब डिनोमिनेटर में कुछ लिखना है
दोनों रेशियो का प्लस कर लो, एडिशन कर लो, दोनों रेशियो का प्लस कितना होगा, 3 + 2 इधर आएगा भाई 5, हो गया आंसर। सपोज देखो इधर ये पीए का आंसर आया, पीए बार होता तो क्या लिखते, सोच लो अगर ये पीए, पीए का आंसर कितना है भाई 3/5, हम लोग दोनों कर लेते, पीए बार इज इक्वल टू ब्लैंक, मैंने आपको क्या सिखाया, चलो पीए बार कितना है भाई 2 और अपॉन में टोटल ऑफ रेशियो, टोटल ऑफ रेशियो कितना है भाई 5। चलो इधर भी देखते, दोनों कर लेते पीए बार और इधर लेते पीए इज इक्वल टू ब्लैंक। चलो डायरेक्ट देखो पीए कितना है भाई 4 और टोटल ऑफ रेशियो दोनों रेशियो का प्लस करो 4 + 1 कितना आएगा भाई 5। चलो पीए फाइंड करना है, सॉरी मेरी गलती हो गई, पीए बार का रेशियो 1 है यानी कि 1/5, तो यहाँ पर पीए है तो पीए कितना आएगा भाई 4/5, हो गया। ऐसे डायरेक्ट कर सकते हो, मेहनत ज्यादा करनी नहीं है। चलो हो गया, आगे करते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ डाई इज थ्रोन वंस, क्वेश्चन आप पूछ सकते हो पर्सनल में। चलो फिर ऐसा क्वेश्चन है, कभी प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 81 marks इन पेपर ऑफ 80 marks इज अ ब्लैंक। यानी कि 80 mark के पेपर में 81 mark लाने की प्रोबेबिलिटी ब्लैंक है, बराबर है, बोलो सोचो कभी 80 mark के पेपर में 81 mark आ सकते हैं आप लोगों को, नहीं आ सकते, कैसे इवेंट है, इम्पॉसिबल, और इम्पॉसिबल हो तो क्या आएगा आंसर, 0 आएगा। चलो फिर लिखो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट इफ ब्लैंक इज नॉट पॉसिबल, ऐसा आ चुका है हमारी टेक्स्ट बुक में, लाइक ऑप्शन आपके ऐसे 0.5, दूसरा ऑप्शन है 0.7, तीसरा ऑप्शन है आपका -0.5, चौथा ऑप्शन है आपका 1। तो कोई भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी कभी भी नेगेटिव हो सकती नहीं, यानी कि आपका आंसर क्या बनेगा भाई, -0.5। चलो हो गया, यानी कि कोई भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी कभी भी नेगेटिव हो सकती नहीं है। मेरे को जितने समझ में आए थे, यानी कि मेरे पास दिमाग में जितने भरे पड़े थे उतने टाइप के एमसीक्यू मैंने आपको करवा दिए, दूसरे आपको जो मिले वो करते रहना है,
यहाँ पर हमारा प्रोबेबिलिटी नाम का चैप्टर क्लियर होता है, कंप्लीट होता है, यानी कि हमारे तीन चैप्टर कंप्लीट हो गए, फर्स्ट सेकंड एंड प्रोबेबिलिटी। इसके बाद में हम लोग जाएंगे स्टैटिस्टिक नाम के चैप्टर में। क्लियर, ये तीन चैप्टर यानी कि हमारे 80 में से 1/4 मार्क के चैप्टर कंप्लीट हो गए। बराबर है स्टूडेंट, अब आपको मेहनत करती रहनी है, जो भी सम कराए, जब भी टाइम मिले, टाइम मिले नहीं फुल टाइम है आपके पास, इनको चैप्टर को करते रहने। बराबर है, तो आज यहां पर इतना रखते हैं, कल से हम लोग स्टैटिस्टिक नाम का चैप्टर स्टार्ट करेंगे।